फ्रेंड्स, क्लास 10th के बच्चों को मैंने लास्ट टाइम उस बताया था कि कैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है कुछ चीजों को चेंज करने से। तो जैसे मान लीजिए एक टॉपिक रह गया था कि अगर हम किसी चीज में इम्प्योरिटी मिला दें, इम्प्योरिटी का मतलब सॉल्ट मिला दें, तो क्या फर्क आता है हमारे मेल्टिंग पॉइंट पर। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी कैसी, इम्प्योरिटी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट। अगर हम आइस में सॉल्ट को मिक्स कर दें तो आइस देर में गलेगी, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 ऐसे तो होता है, लेकिन 0 से ये -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। -20 हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन 0 से लेकर के -22 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने इम्प्योरिटी कैसी मिलाई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुल्फी। जो हम लोग कुल्फी खाते हैं, आप देखते होंगे कुल्फी जो है देर में गलती है, तुरंत नहीं गलती। आइस के कंपेरिजन में अगर प्योर आइस है तो वो जल्दी गल जाएगी। कुल्फीज हमारी जो है देर में गलती, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, सॉल्ट है, नमक हल्का सा मिलाते हैं। वो इसीलिए मिलाते हैं ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए। जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, 0 से -220 हो जाएगा, या इसके बीच में कुछ हो जाएगा, -18 -16 समथिंग, तो उसको गलने में यानी कि उसको मेल्ट होने में काफी टाइम लगेगा। अभी क्या है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगी तो तुरंत गल जाएगी, जैसे ही बाहर एटमोसफियर में आएगी तुरंत गल जाएगी। वैसे क्या होता है, जब हम कुल्फी को निकालते हैं रैपर से आराम से, तो भाई हीट तो बाहर है ही एटमॉस्फेयर में, हम मुंह में भी रखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है गलने में। कभी कभी हमारे दांत भी ठंडे हो जाते हैं इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसको समय लगता है। वो हमारे दांतों से, वो हमको ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे दांतों से, जीभ से, मुंह से एनर्जी खींचता है वो अपने आप को गलाने के लिए, तो इसलिए बहुत ठंडा लगता है। और जिनके दांत खराब है उनके लिए तो बहुत जहर हो जाता है, क्योंकि उनके दांत में दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है जिनके दांत खराब है। तो वो एनर्जी लेता है और काफी समय लगाता है गलने में। आपकी पूरी स्टिक जो है जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वो गलना स्टार्ट नहीं करता, और लास्ट में बच जाती है थोड़ी सी। अगर आप कभी देखा तो वो कभी कभी गिर भी जाती है, क्योंकि भाई बहुत देर हो जाती है तो इतना तो नहीं झेल पाएगी। अब -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हम समझ जाएंगे, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना टेम्परेचर उसका डाउन, मतलब इतना मेल्टिंग पॉइंट डाउन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जब लास्ट की बच जाती है तो मोस्टली गिर ही जाती है स्टिक से। उसको संभालना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है या पेपर लगाना पड़ता है। तो ये चीज हमारी कब होती है, जब हम कोई भी इम्प्योरिटी अपनी आइस में मिक्स करते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है, 0 से काफी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम आइसक्रीम आसानी से खा पाते हैं, अदरवाइज खाना मुश्किल पड़ जाए। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो हमने आपको डिस्कस करना था। अब छोटा सा टॉपिक अभी और इसमें है, वो ये टॉपिक तो हमारा मेल्टिंग के लिए था लेकिन मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अब आता है आपका वेपोराइजेशन। देखिए वेपोराइजेशन ही कह सकते हैं या बॉयलिंग कह सकते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब वो कोई भी चीज वेपर में चेंज हो रही है, या बॉयलिंग हो रही है तो बॉयल में भी वेपर होता है। देखिए वेपोराइजेशन का मतलब होता है जब कोई लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में बदल जाए, या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहेंगे, क्योंकि तो बॉइलिंग में भी वेपर्स बनता है। तो जब लिक्विड वेपर में चेंज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है, जैसे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर
है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा चीजें बॉयल होने लगती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। पॉइंट जब भी आप, पॉइंट का मतलब कि वो टेम्परेचर की बात करना है आपको, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, देन दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ चीजें थी। अब इसका जो है, जो चीजें हैं बॉइलिंग में, किसका फर्क आता है प्रेशर, प्रेशर का और इन सब चीजों का, तो वो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक इस चीजें आप पढ़िए, और कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।